नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यरमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया भारत के केवल उपभोक्ता होने के बजाय प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी। 5G सेवाओं से नए कारोबार शुरू होने, कारोबार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने और रोजगार के अवसर सृजित होने की है संभावना। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में अरुणाचल प्रदेश के वेट लिफ्ट चारू पेसी ने 61 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को किया गौरवान्वित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चारू पेसी को दी बधाई, कहा इसे राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। ईस्ट सियांग जिले की उपायुक्त ताइतांगू ने पासीघाट के GTC तबो रानीघाट लैंगिंग क्षेत्र में मिशन जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री का किया शुभारंभ। लोअर दिबांग वैली जिले में स्थानीय संगठनों द्वारा एजी नदी और उसके आसपास चलाया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 5G सेवाओं के उपलब्ध होने से नए कारोबार शुरू होने, कारोबार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी भी देखा। देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना, जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। केंद्रीय सूचना फिर से सुने। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5G तकनीक से शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन लक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे और हर व्यक्ति डिजिटल सेवा की उपलब्धता संभव हो सकेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि गाँव में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला और भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील मित्तल भी मौजूद थे। 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी
प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। 5G एंड 5G एनेबल्ड डिजिटल सॉल्यूशंस कैन ब्रिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विद इन द रीच ऑफ कॉमन इंडियंस। दिस विल हेल्प यंग इंडियंस रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बाय आर्मिंग देम विद वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज so that they can earn more and make India globally competitive. 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. By bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे और 2023 मार्च तक काफ़ी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर चारू पेसी ने 61 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में चारू पेसी को बधाई देते हुए भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी है। श्री खांडू ने कहा है कि इससे राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित 16 पदकों के साथ हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर है। मेजबान गुजरात ने शुक्रवार को पुरुष टेबल टेनिस के फाइनल में महाराष्ट्र को हरा कर अपना पहला स्वर्ण जीता। भारोत्तोलन मीराभाई चानू, निशानेबाज इलावानिल वलारिवन और फेंसिंग यानी तलवारबाजी में भवानी देवी ने शुक्रवार को स्वर्ण जीते। पुरुषों के 100 मीटर सेमीफाइनल में असम के अमलान बोरगोहेन ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि त्वरित न्याय के लिए देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच बेहतर सामंजस्य जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम एंड एजुकेशन विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लोगों को कानूनी विषय में जागरूक करने और उन्हें लीगल एड्स प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी, स्पेशली द लॉ मिनिस्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट, मस्ट बी स्मूदर एंड फास्टर। Whatever we take a call, this has an implication all over the country. So I believe in teamwork. I have stated openly in all the occasions that we are a team. Judiciary, legislature and executive, we are sitting as different organs of the state. We should never forget that we are.
भारत में रक्तदान दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जीवन में रक्त की आवश्यकता और इसके महत्व को समझाने से अभिप्राय है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस सबसे पहले 1975 में 1 अक्टूबर को मनाया गया था। इस विशेष दिन की शुरुआत इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अम्यूनो हेमेटोलॉजी द्वारा मनाया गया था। गौरतलब है कि 1971 में डॉक्टर जे जे जैली और मिसिस के स्वरूप के नेतृत्व में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अम्यूनो हेमेटोलॉजी की स्थापना की थी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन के राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 1 तारीख को नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है हर दिन में। ये शुरू हुआ था 1971 को। ये जो है दिन डॉक्टर जे जी जोली के नाम पे उनके बर्थडे के दिन पे किया जाता है, क्योंकि उसने द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटियर ब्लड डोनेशन को इंडिया में सबसे पहले शुरू किया था। तो इसके तहत अभी हम जो अरुणाचल में जो वॉलंटियर ब्लड डोनेशन का जो कंसेप्ट है, ये कुछ थोड़ा सा नया है हमारे लोगों के लिए। तो इसको हमारे लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम ये दिन करते हैं आयोजन, इस दिन का आयोजन करते हैं। और इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ब्लड वॉलंटियर ब्लड डोनेशन से कनेक्टेड है, उनको हम यहाँ बुलाते हैं, ताकि हम मुंह से बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे लोग होते हैं, मेम्बर्स होते हैं, वो सुन के एक दूसरे को बताएंगे, तो ये बहुत सारे सारों के कान में पहुँच जाएगा ये मैसेज कि वॉलंटियर ब्लड डोनेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, उससे क्या लाभ है। तो ये हमारा मकसद है, इसलिए आज हमने ये होटल तोसुम में आयोजन किया है। मैं मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू से फिर से बोलना चाहूँगा कि हम सब आगे आना चाहिए वॉलंटियर ब्लड डोनेशन को लेके, ताकि हम अपने लोगों को बचाएंगे। और इसके तहत हमें आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हमें बुलाया न्यू दिल्ली में, हमने एक स्टाफ को भेज भी दिया। हमें अरुणाचल प्रदेश को एक सबसे अच्छा राज्य जो जिसने काम किया है रक्तदान पर, उसके लिए हमें फेलिसिटेट किया, और ये हमें मिल रहा है, ये हर किसी के लिए खुशी की बात है। खेल मंत्री मामा नातू ने विधायक तापक ताकू की मौजूदगी में ईस्ट कमेंग जिले में नवगठित पाकोदी अंचल मुख्यालय का उद्घाटन किया। सेपा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों को मिलाकर इस अंचल का गठन किया गया है। इस अवसर पर श्री नातुंग ने कई महत्वपूर्ण आधारभूत विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तवांग में DRDO किसान जवान विज्ञान मेला लगाया गया। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी R&D सेंटर चांगबू तवांग में DRL तेजपुर के डायमंड जुबली समारोह के तहत आयोजित इस मेले में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के अलावा तवांग जिले के विभागों के प्रमुख, भूतपूर्व सैनिक सहित कई संगठन हिस्सा ले रहे हैं। मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए SSB के 38वीं बटालियन के कमांडेंट GS उदावत ने कहा कि DRDO ने सीमावर्ती इलाकों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मेला सेना और आम नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगा। ईस्ट सियांग जिले के उपायुक्त ताइतागु ने पासीघाट के GTC तबो रानीघाट लगंग क्षेत्र में मिशन जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री का शुभारंभ किया। अधिबान अन्ना कबांग की इस सियांग जिला इकाई के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रत्येक गांव में चयनित ग्रीन आर्मी वॉलंटियर्स अपने इलाकों में स्वच्छता की निगरानी करेंगे। लोअर दिबांग वैली जिले में 11 सरकारी संगठन आमिया, चाइल्ड लाइन रोइंग और भूमि ने संयुक्त रूप से AG नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने में योगदान देने की अपील की गई। संगठन ने लोगों से रोइंग नगरीय क्षेत्र और AJ नदी को कचरा मुक्त और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। आप लोग को आज एक सजेशन देना चाहती हूँ, ये गार्बेज आप लोग जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ प्लीज़ आप लोग इसे गार्बेज ना फैलाएं। अगर आप घर से कुछ या पैकेट फूड लेकर आते हैं खाने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, तो आप एक प्लास्टिक बैग साथ में लेकर आएँ और उसमें ही लेकर जाएँ,
और जहाँ तहाँ आप लोग ऐसे कचरा ना फैलाएं, रास्ता में भी आप लोग कहीं कचरा ना फेंके प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ अपने अपने घर में ले जाएं, और जहीं आप लोग फेमस प्लेस घूमने जाते हो तो वहाँ बिल्कुल भी कचरा ना फेंके, वहाँ यूज़ भी होगा यूज़ भी पर रखा जाए या अपने घर ले जाया जाए। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कराटे और टाइकंडो में 3 कांस्य पदक जीते हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पदक जीतने वाले हेड कांस्टेबल एल मुगली, कांस्टेबल एन पेनू और हेड कांस्टेबल एस दोलो, कांस्टेबल जे दोदुम और MMW लोवांग को बधाई दी है। पापुमपारे जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालीजान में इनोवेशन सेंटर से प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अनटाइड फंड से स्थापित की गई इस इनोवेशन सेंटर से छात्रों को विज्ञान विषय में प्रोत्साहित करने और नवाचार में मदद मिलेगी। नमसाई में नबार्ड प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के माध्यम से उन्हें इंडिजीनस डिजाइन और आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।